मामला बबेरू कोतवाली क्षेत्र अंतर्गत निभौर गांव के नहर की पुलिया के पास का है, जहां निभौर गांव के तरसियन डेरा में रहने वाले चुनबात का शव वन बरौली के पास पुलिया के नीचे गुरुवार को सुबह बरामद किया गया, जिसमें परिजनों ने हत्या का आरोप लगाया था। वहीं पुलिस द्वारा शराब के नशे में गिरने से मौत की बात कही गई थी। वहीं गुरुवार को पुलिस के द्वारा शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भी भेजा गया था। परिजन पोस्टमार्टम करवाने के बाद शव को घर लेकर आ गए थे, लेकिन हत्या का मुकदमा दर्ज न होने से वह हत्या के आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर परिजनों ने शव को ट्रैक्टर ट्रॉली में रखकर मुख्य सड़क बबेरू और फतेहपुर राजमार्ग पर गांव के ही पुलिया के पास ट्रैक्टर खड़ा करके जाम लगा दिया। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने समझाने का प्रयास किया, लेकिन परिजन नहीं माने और हत्या का मुकदमा दर्ज कराए जाने की मांग करने लगे। वही सूचना मिलते ही तहसीलदार अभिनव तिवारी एवं भाजपा नेता बच्चा सिंह ने पहुंचकर परिजनों को समझा बुझाकर हत्या का मुकदमा दर्ज करने की बात कही है और खुलवाया। जाम करीबन 1.5 घंटे तक लगा रहा। वही परिजनों ने पुलिस के ऊपर मारपीट व लाठी चार्ज करने का आरोप भी लगाया है। क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम रामचंद्र है। मैं निभौर गांव तरसिया डेरा बबेरू थाने का निवासी हूं। क्या घटना हुई है ये, तो आप जाम लगाए थे? कल यहां बरौली गांव के एक डेरा है, डेरा में मर्डर हुआ है। जो इनका मर्डर हुआ है वो हमारे पारिवारिक है, उन और मर्डर करने के बाद उसको एक्सीडेंटल केस बनाने की कोशिश की गई। जब वहाँ मौके पर पुलिस पहुंची, पुलिस ने भी उसको वहाँ मौका मुआयना करने के बाद पुलिस भी एक्सीडेंट दुर्घटना बनाने की कोशिश की और वहाँ पर जो भी है अपना फॉर्मेलिटी करने के लिए नाम लिख लिया हाथ में और पुलिस चली गई और कहा गया कि आप इसका पहले PM कराइए, उसके बाद आगे की कार्रवाई होगी। परिजन डेड बॉडी लेके बांदा चले गए, PM करा के रात में आए। उसके बाद ना तो कोई प्रशासन, कोई पुलिस, कोई कार्रवाई नहीं हुई और विरोधी जो है उसी तरह खुलेआम टहल रहे हैं। उसके बाद डेड बॉडी घर पहुंची, कल से डेड बॉडी रखी है घर में, कोई पुलिस प्रशासन नहीं गया वहां, कोई मौका मुआयना करने नहीं गया। उसके बाद मजबूरन सुबह टाइम फिर हम बबेरू गए, बबेरू से हमको कहा गया कि आप मरका जाइए, यहां से कुछ नहीं होगा। मरका परिजन गए हैं, उसके बाद हमको मजबूरन यहाँ ला के धरना प्रदर्शन करना पड़ा। अच्छा, तो क्या हुआ है यहाँ पर प्रदर्शन जब कर रहे हैं? यहाँ प्रदर्शन जब हुआ है तो यहाँ पुलिस आके उल्टा पीड़ितों को ही धमका रही है, मार पीट रही है और महिलाओं के ऊपर हाथापाई भी की और कुछ महिलाओं को लातों द्वारा मारा पीटा भी गया। और उल्टा जो भी है प्रदर्शन यहाँ कर रहे हैं, जो भी आए हैं पीड़ित जन, उनको भी धमकाया जा रहा है कि अगर आप ज्यादा आगे आगे होगे तो आप ही को तकलीफ होगी, आप ही को मारा जाएगा, आप ही को जेल में डाला जाएगा। अच्छा, क्या सूचना मिली है कि जो आप हत्या किए हैं कुछ लोगों को गिरफ्तार किया गया है, क्या बताया है? ऐसा पुलिस से मनगढ़ंत कहानियां बता रहे हैं। जब अभी हमने प्रदर्शन किया है, जब हम रोड में लेकर के आए हैं, उसके बाद पुलिस ने क्या किया क्या नहीं किया वो हम नहीं बता सकते हैं। लेकिन यहाँ अब पुलिस आके कह रही है कि कभी कहती हमने 3 लोगों को पकड़ा है, कभी कहती हमने 1 लोगों को पकड़ा है। हम पूछते हैं आपने किसको पकड़ा, उसका नाम बताइए, तो पुलिस नाम भी बताने को तैयार नहीं है कि हमने किसको पकड़ा। अच्छा, जाम किसके आश्वासन पर हुआ? जाम पर यहाँ पर आए SDM साहब आए और विधायक जी, माननीय विधायक जी भी आए और बच्चा सिंह, श्री बच्चा सिंह भी आए। सबने कहा कि आपकी FIR होगी, हमको सांत्वना दी, हम तब जाके हमने जाम खोला। क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम रामचंद्र।